वेपर या गैसेस फेस में चेंज होने की टेंडेंसी कितनी है अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो तो उसका मतलब ये होगा कि उस लिक्विड में वेपर फेस में चेंज होने की टेंडेंसी कम है यानी वो इजीली अवेपोरेट या वेपोराइज नहीं होगा अगर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि

कि ईथर एक हाईली वोलेटाइल लिक्विड है इजीली एवपोरेट होता है इट पोजेस हाईएस्ट टेंडेंसी टू चेंज इनटू द वेपर फेज इसके कंपैरिजन में ये टेंडेंसी वाटर में जो है वो काफी कम है नाउ हाउ कैन वी डिफाइन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेस वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स which are in dynamic equilibrium with its liquid phase at a particular temperature in a closed system is known as the vapor pressure another definition the pressure exerted by the vapors of liquid when its rate of evaporation becomes equal to rate of condensation इज नोन एज द वेपर प्रेशर इन दोनों डेफिनेशन का मतलब समझ लीजिए फिर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड फेज एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इन अ क्लोज सिस्टम इज नोन एज वेपर प्रेशर जब किसी क्लोज सिस्टम में लिक्विड और वेपर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उस वक्त उस लिक्विड के वेपर जितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जब किसी लिक्विड में रेट ऑफ एवपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो उस वक्त उस लिक्विड के वेपल्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है अभी ये डेफिनेशन आपकी समझ में नहीं आ रही होगी इसको हम एक एग्जांपल की मदद से स्टडी करेंगे सपोज कीजिएगा कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हमने एक बेल जार से कवर किया हुआ है ये एक क्लोज कंटेनर है अगर हम इस कंटेनर को जिसमें कुछ 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 लिक्विड है अगर इसको हम ओपन एयर में प्लेस करते हैं तो अब व्हेपोरेशन का प्रोसेस अक्कर करेगा और उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक के तमाम लिक्विड डिसाइपेयर नहीं हो जाता लेकिन अगर हम इसको एक बेल जार से कवर कर देते हैं यानी अगर ये जो है कंटेनर क्लोज है तो फिर जो है वो जो है वो कुछ पीरियड ऑफ़ टाइम तक इस लिक्विड का वॉल्यूम या अमाउंट डिक्रीज करेगी और उसके बाद जो है वो सेम रहेगी कांस्टेंट हो जाएगी इसकी रीजन जो है वो क्या है इस क्लोज कंटेनर के अंदर जो है वो क्या प्रोसेस होता है तो सपोज कीजिए ये लिक्विड जो है वो एक क्लोज कंटेनर में जो है वो प्लेस है यहाँ पे दो प्रोसेसेस अकर करते हैं पहला प्रोसेस है एवपोरेशन एवपोरेशन के प्रोसेस में इस लिक्विड की सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फिल्ड फोर्सेस को ब्रेक करके एयर में एंटर होते हैं और ये प्रोसेस क्या है दिस इज एवपोरेशन दैट इज इन एवपोरेशन मॉलिक्यूल लीव द सरफेस

एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं कंटेनर की वाल के साथ भी जो है वो कोलाइड करते हैं जब ये वेपर मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनमें कुछ वेपर्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और ये जब और स्लो हो जाते हैं जब ये स्लो मूविंग मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस के साथ कोलाइड करते हैं तो इनको लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वापस जो है वो लिक्विड स्टेट में कैप्चर कर देते हैं यानी दे आर रिटर्न बैक टू द लिक्विड स्टेट तो वेपर मॉलिक्यूल का वापस लिक्विड फेस में चेंज होना ये कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है तो इनिशियली greater number of liquid molecules are converted into the vapors that is rate of evaporation is greater whereas less number of molecules are converted into the liquid base uh, phase that is rate of condensation is less that initially rate of evaporation is less as compared to the rate of condensation so अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट फेज में जो है वो क्या होगा नेक्स्ट फेज में बचे होगा यू कि विद इंक्रीज इन द रेट ऑफ अवेपोरेशन

कि जितने लिक्विड के मालिक्यूल वेपर फेस में एंटर होंगे उतने ही वेपर मालिक्यूल वापस लिक्विड फेस में चेंज हो जाएंगे यानी हम इसको क्या कहेंगे कि अब रेट ऑफ अवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो चुका है ये स्टेट क्या कहलाती है दिस इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम के वक्त इस लिक्विड के वेपर्स कंटेनर वाल के साथ जितनी फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्ट करते हैं जितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो प्रेशर क्या कहलाता है दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर तो अब हम इस काबल हो कि इन डेफिनेशन को जो है वो समझ सके कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रेशर एग्जर्टेड बाय आप ने ये इस फिगर में देखा कि जब रेट ऑफ अवेपोरेशन इस क्लोज सिस्टम के अंदर रेट ऑफ अवेपोरेशन जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस वक्त इस लिक्विड के वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दिस दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर सेकेंड डेफिनेशन

लेकिन वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा उसकी वजह यह है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जब रेट ऑफ अवेपोरेशन इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी करेगा जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर जो है वो सेम रहेगा या सरफेस एरिया का इफेक्ट इस पर नहीं होगा नो लेट सी वट आर दिच इफेक्ट प्रेशर जो

तो वेपर प्रेशर कम होगा यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेयर एज़ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी लोअर एंड वाइस वर्सा ए से लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होगा फॉर एग्जांपल वाटर हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंगPossesses low vapor pressure while petrol with weak london dispersion forces has high vapor pressure वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं इसलिए इसकी का रेट ऑफ एवपोरेशन ज्यादा होगा सॉरी इसका रेट ऑफ एवपोरेशन कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा लेकिन पेट्रोल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं इसका रेट ऑफ एवपोरेशन ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर भी इसका जो है वो ज्यादा होगा ये टेबल जो है ये आपको जो है डिफरेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर के متعلق जो है वो आ, इ, आ, कंपेयर uh, करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाटर वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 डिग्री सेल्सियस ये क्या शो करते हैं कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांगर हैं। मेथनॉल वेपर प्रेशर 96.8 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर वीकर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर एथॉल 43.5 आल्सो हाइड्रोजन बार्निंग लेकिन ये हाइड्रोजन बार्निंग जो हैं ये स्ट्रॉंगर हैं एस कंपेयर टू मेथॉल बट दे आर वीकर एस कंपेयर टू दैट इन द वाटर और डाइएथाइल इथर वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पर बोल्स जाता है यानी यानी वाटर वेपर प्रेशर सबसे कम ड्यूटी वेरी स्ट्रॉं डाईल इथर में क्योंकि वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो सबसे जो है वो हाई है सेकेंड फैक्टर इज द टेम्परेचर

और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर 4.6 एमएम mm ऑफ मरकरी है जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह इंक्रीज होके 760 मिलीमीटर mm ऑफ मरकरी हो जाता है अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं दिस इज द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेंपरेचर फॉर थ्री डिफरेंट लिक्विड्स

तो इन थ्री डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है इट इज डिफरेंट ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेस ईथर इज नॉन पोलर इन नेचर इसमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो हाई है हाई वेपर प्रेशर जबकि एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो एथेनॉल का वेपर प्रेशर जो है वो लोअर होगा जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एथेनॉल की निस्बत भी स्ट्रॉन्गर है इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो सबसे जो है वो लो होगा

डू टू डिफ्रेंस इन देंथ ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से इफेक्ट देखते हैं इन तीनों लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमालिकुलर का इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देते हैं और क्योंकि इन तीनों लिक्विड में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेस एक दूसरे से डिफरेंट है इसलिए तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे

इक्वल होगा तो स्टूडेंट्स आज हमने वेपर प्रेशर स्टडी किया है, इसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और उसके बाद हमने ये डिस्क्राइब किया कि इसको टू फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसको जो है वो इफेक्ट करता है टेंपरेचर स्टूडेंट्स आप इस आर्टिकल को व्यू करने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक्स में से लाजमी पढ़ें इस तरह आपको ये आसानी से याद हो जाएगा अपना काम रेगुलर करें इट इज की टू द सक्सेस थैंक यू